गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार, इसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप है शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की ओर से लगाई गई प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन प्रदर्शनी को देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है, जिसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं। अब हम एआई तकनीक से जुड़े एक नए युग में हैं। मोदी ने कहा कि मैं एआई की काफी मदद लेता हूं। जब चुनावी अभियान में भाषा की दिक्कत आती है तो मैं एआई का सहारा लेकर हर भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। वहीं दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। इसमें देश भर के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर अपनी आइडियाज के साथ शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार बोली, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा, जरूरी नहीं आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज हो। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े हो। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं दोस्तों, 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इसका चयन करती थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैंत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं, आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है, वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वे पेश हो जाएंगे। एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जाहिब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में एल्विस यादव की पेशी, इन धाराओं के संशोधन पर हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, सांपों के जहर की तस्करी मामले में 14 दिन की जेल की सजा काट रहे मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत में पेश किया गया। उनके साथ 2 अन्य दोस्तों को भी कोर्ट में हाजिर किया गया, जिन्हें आज बुधवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बिग बॉस के विनर पर लगी धाराओं में संशोधन के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में बुधवार को एल्विस यादव के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। इनके नाम ईश्वर और विनय बताए जा रहे हैं। विनय ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो एल्विस का दोस्त है। वहीं ईश्वर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, सपेरे राहुल का वह परिचित है। इस तरह नोएडा पुलिस सांपों के जहर के तस्करी मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दोस्तों, एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज है। इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 279, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 939, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीएसपी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन से इनकार। केंद्र ने राज्य को प्रतिबंध का सर्कुलर भेजा था। कोर्ट बोला, सरकार फैसले का आधार बताए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के डॉग्स के 23 ब्रीड्स पर बैन लगाने के सर्कुलर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ये रोक सिर्फ कर्नाटक राज्य के लिए ही मान्य है। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी सोलिसिटर जनरल को बताना होगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या आधार था। जब तक वे इसके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करते, तब तक हम सर्कुलर पर स्टे लगाते हैं। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 13 मार्च को राज्य से कहा था कि इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए 23 ब्रीड्स के डॉग्स का न सिर्फ इम्पोर्ट रोके बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाए। इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक डॉग हैंडलर और डॉग पेरेंट की ज्वाइंट याचिका लगाई गई थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में हुआ विलय, पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, कल लालू तेजस्वी से की थी मुलाकात। जी हां दोस्तों, जाप यानी कि जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य है, उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी मौजूद रहे। सार्थक रंजन रणजी खेलते हैं। इस अवसर पर मोहन प्रकाश ने कहा कि साझेदारी न्याय से प्रभावित होकर पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी में तेज हुए बगावती सुर, नहीं मिला टिकट तो इस राज्य के पूर्व सीएम से लेकर इन नेताओं ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दंगल शुरू हो गया है। इसी बीच दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में बीजेपी की राह मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि टिकट के ऐलान के बाद कई बड़े नेता नाराज हैं। दोस्तों बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर चुकी है। इनमें कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कर्नाटक बीजेपी के कई अन्य नेता इससे खुश नहीं है और उन्हें असंतोष पनप रहा है। कुछ नेताओं ने तो खुलेआम बगावत कर दी और पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा उन नेताओं में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों, ये गलत प्रैक्टिस, इससे ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत भी नहीं मिल पाती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू न हो पाए और आरोपी को जमानत न मिल सके। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है, ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है, इससे हमें परेशानी हो रही है, किसी मामले में हम खुद इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया। उन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोट गिनते गिनते गर्म हो जाती है मशीन और ईडी के छापे पर उठाते हैं सवाल, अमित शाह ने कहा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने आज CNN न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से पूछे गए सभी सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया, जब उनके नेताओं के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई, ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है। ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उनमें से सिर्फ 5% राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, बाकी 95% काले धन वाले लोगों की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, IVF में 50 की एज लिमिट, चरण कौर की उम्र 58 साल, पंजाब CM पर बरसे सिद्धू के पिता। जी हां दोस्तों, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF टेक्निक के जरिए 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसी दौरान केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी कर सिद्धू की मां चरण कौर की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मांगी है। लेटर में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला देकर बताया गया है कि IVF तकनीक से गर्भ धारण कर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, CAA से नहीं जाएगी नागरिकता, राइजिंग भारत के मंच से बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत 2024 के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने वोट बैंक बनाने के लिए यह भ्रम फैलाया है कि CAA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और उनसे वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। CAA नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का नियम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 9 साल विवाद के बाद गौतम सिंघानिया पिता के साथ दिखे, रेमंड के चेयरमैन ने लिखा, अपने पिता को घर पर पाकर खुश हूं। जी हां दोस्तों, रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया और ग्रुप के फाउंडर और गौतम के पिता विजयपत सिंघानिया के बीच सुलह होती नजर आ रही है। गौतम सिंघानिया ने बुधवार को एक्स पर अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, आज अपने पिता को घर पर पाकर और उनका आशीर्वाद पाकर खुश हूं। सदैव आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं पापा। विजयपत सिंघानिया ने 2015 में अपने बेटे को कंपनी की बागडोर
बागडोर सौंप दी थी। गौतम के हाथों में कंपनी की बागडोर आने के बाद से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। 2017 में विजयपत सिंघानिया ने अपने बेटे पर मुंबई में उनकी पारिवारिक संपत्ति जेके हाउस बिल्डिंग से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सांसद दानिश अली ने थामा हाथ, कांग्रेस से नजदीकी पर मायावती ने किया था बीएसपी से सस्पेंड। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। अमरोहा लोकसभा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दानिश अली को बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा ने पिछले साल दिसंबर में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। अब दोस्तों दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही कि दानिश अली को संसद का टिकट भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 89 अंक बढ़कर 72,101 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 21 अंक की तेजी के साथ बंद। मारुति का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 20 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 89 अंकों की तेजी के साथ 72,101 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 21 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये 21,839 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज ऑटो और पावर शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। मारुति के शेयर ने आज 12,025 का ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज आईसर मोटर्स, मारुति सुजुकी और नेस्ले रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना पहली बार 66,000 के करीब, इस साल 70,000 तक जा सकता है। चांदी 73,860 रुपए प्रति किलो। जी हां दोस्तों, सोना बुधवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 206 रुपए बढ़कर 65,795 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,646 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों आज चांदी में भी मामूली तेजी देखने को मिली। ये 15,000 रुपए महंगी होकर 73,860 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 73,844 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी कि 2023 में 4 सितंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला, यूएनएससी को 21वीं सदी के लायक बनाए। हमारे जैसे देश बिना सीट अधिकार के आते हैं और चले जाते हैं, यह स्वीकार्य नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर यूएनएससी में बदलाव का मुद्दा उठाया। यूएन में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश बिना सीट, बिना अधिकार और बिना आवाज के यूएनएससी में आते हैं और चले जाते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। रुचिरा ने कहा कि यूएनएससी के ज्यादातर स्थायी सदस्य खुद भी यह मानते हैं कि परिषद में और सदस्यों को शामिल करके ही इसे 21वीं सदी के लायक बनाया जा सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो देश यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव 20वीं सदी के राजनीति के आधार पर हुआ था, लेकिन अब समय बदल गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कैंसिल, ईओयू ने किया था पेपर लीक का भंडाफोड़। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक के चलते शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग की ओर से यह शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीयर 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। आयोग ने ईओयू से प्राप्त सबूत और तथ्यों के बाद दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल से कटेगा ज्यादा टोल टैक्स, एनएचएआई ने दे दी मंजूरी, चेक कर सकते हैं नए रेट भी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी हाईवे पर चलते हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल दोस्तों टोल टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। टोल टैक्स के नियम कीमतों में जल्द ही इजाफा होने वाला है, यानी कि आपको हाईवे पर चलने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। यूपी में टोल टैक्स की दरों में इजाफा हो गया है। टैक्स की नई दरें 31 मार्च में रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एनएचएआई ने टोल की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। नई दरें लागू होने के बाद में यात्रियों को 10 से 50 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। इसके अलावा भारी वाहनों को भी टोल प्लाजा से गुजरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूर्या स्टारर कंगुआ का टीजर हुआ रिलीज, सूर्या के फेस ऑफ करते ही दिखे बॉबी देओल। 28 ग्लोबल भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन्स की झलक है। शुरुआत में मेकर्स इस फिल्म को अप्रैल 2024 में थिएटर्स में रिलीज करने वाले थे, पर इलेक्शन के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। मेकर्स ने अभी इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं
की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा कोर्ट में वकीलों और गौरव भाटिया के बीच कहासुनी, वापस दिल्ली लौटे बीजेपी प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला न्यायालय में बुधवार को भाजपा प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया की वहां मौजूद वकीलों से कहासुनी हो गई। गौरव भाटिया सूरजपुर कोर्ट में कुछ काम के सिलसिले में पहुंचे थे और इसी दौरान यहां के वकीलों की हड़ताल चल रही थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान किसी बात को लेकर कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और गौरव भाटिया के बीच नोकझोंक हो गई। इस संबंध में नोएडा पुलिस का बयान भी सामने आया है। नोएडा पुलिस ने कहा कि बुधवार को अधिवक्ता गौरव भाटिया माननीय न्यायालय जनपद गौतम बुद्ध नगर में कार्य के लिए आए थे। स्थानीय बार के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा स्थानीय बार की हड़ताल होने के कारण न्यायालय संबंधित कार्य नहीं होने की जानकारी दी गई, जिस कारण दोनों अधिवक्ता पक्ष में हल्की कहासुनी होने के बाद प्रकाश में आई है। अधिक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। वार्ता के बाद अधिवक्ता गण दिल्ली वापस लौट गए थे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरसीबी ने बेंगलुरु में किया अनबॉक्स इवेंट, नई जर्सी और लोगों को लॉन्च किया। विराट बोले, यह साल आरसीबी का नया अध्याय। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट मंगलवार 19 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरसीबी की नई जर्सी, नए लोगो और नया नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जारी किया गया। नाम में बेंगलुरु को बदलकर बेंगलुरु किया गया है। इवेंट में मशहूर ईडीएम म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे एलन वॉकर ने भी परफॉर्मेंस की। उनके अलावा अन्य स्टार रघु दीक्षित, नीति मोहन, ब्राथा डी जोर्डियन सहित कई आर्टिस्ट इवेंट में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची प्रियंका चोपड़ा, कड़ी सिक्योरिटी में नजर आए निक जोनास और बेटी मालती। जी हां दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में है। हाल ही में प्रियंका से मिलने उनके पति निक जोनास भी भारत आए हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इसी बीच अब प्रियंका और निक जोनास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने बेटी मालती के साथ राम मंदिर भूमि अयोध्या में नजर आ रहे हैं। एएनआई से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आप भारी सिक्योरिटी के बीच प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास और मालती को देख सकते हैं। इस वीडियो में तीनों एक कार में बैठते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेज और नॉन वेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं, जोमेटो के सीईओ बोले, अलग ड्रेस से हो सकता था मतभेदभाव, सभी लाल टी शर्ट पहनेंगे। जी हां दोस्तों, जोमेटो ने 24 घंटे से भी कम समय में अपने वेज डिलीवरी बॉयज के हरे रंग की ड्रेस पहनने के फैसले को वापस ले लिया है। अभी डिलीवरी बॉय पहले की ही तरह लाल रंग की टी शर्ट ही पहनेंगे। जोमेटो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ दीपिंदर गोयल ने आज यानी कि बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी। जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल के अनुसार कंपनी वेजिटेरियंस के लिए एक अलग फ्लिट यानी कि अलग डिलीवरी बॉयज जारी करेगी, मगर इस फ्लिट में हरे रंग का उपयोग नहीं किया जाएगा। कंपनी ने ऐसा भेदभाव को खत्म करने के लिए किया है। कंपनी के सभी राइडर्स लाल ड्रेस ही पहनेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका में फिर रुक सकेगा चीन का जासूसी जहाज, ड्रैगन के विरोध के बाद बैन हटाया। फरवरी में मालदीव पहुंचा था चीनी जहाज। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने अब विदेशी रिसर्च जहाजों को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की तरफ से विरोध किए जाने के बाद श्रीलंका ने विदेशी जहाजों के रुकने पर लगा बैन हटा दिया। दरअसल हाल ही में पड़ोसी देश ने एक जर्मन रिसर्च वेसल को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत दी थी। इस बीच चीन की एम्बेसी ने विरोध जताया कि जब फरवरी में उनके जहाज को रुकने की अनुमति नहीं मिली थी तो जर्मनी के जहाज को क्यों रुकने दिया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री कौन से साल में बने थे। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पहली बार कौन से साल में बने थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।